अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनने लगा है। और ये मैंने अचार डाला है इतना मज़ेदार कि आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने पतीला भर के पानी लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दें। तो कच्चे आम लिए हैं मैंने 3 किलो, तो पानी को ज़रा सा उबाला आएगा तो मैं अंबियाँ डाल दूँगी यानी कि कैरियाँ। और एक तरफ मैंने सरसों का तेल उबलने के लिए रख दिया है, और 2 किलो तेल है वो, जैसे ही ठंडा होगा तो मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। और पानी में उबाला आ गया था तो मैं उसमें डाल दूँगी सारी कैरियाँ। कैरियाँ हमने पकानी नहीं है, बस 1-2 उबाले देने और फ़ौरन इसको पानी से निकाल लेना है। तो ये मैंने सारी डाल दी हैं, जैसे इसमें उबाला आएगा इसको मैं फ़ौरन निकाल लूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। और ये देखें उबाला आ चुका है और कितना अच्छा सा कलर आ गया है कैरियों के ऊपर। तो इनको मैं अब निकाल लेती हूँ। पानी को आपने अच्छी तरह छान के निकालना है और एक बर्तन में ये रखते जाएं आप। और सारी मैंने कैरियाँ निकाल ली हैं, और एक अखबार बिछाया है और उसके ऊपर मैं सारी कैरियाँ डाल दूंगी ताकि इनका जितना भी पानी है अखबार जज्ब कर ले। तो सारी कैरियाँ डाल के मैं इस तरह फैला दूंगी ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो फिर इसको 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर मैं बताऊँगी 1 घंटे बाद क्या करना है। और आप देख सकते हैं इनका पानी खुश्क हो गया है, तो 1 घंटा भी गुजर चुका है। तो अब मैं मसाले बता देती हूँ आपको। एक फ्राई पैन लिया है, सौंफ ली है 1 कप भर के, राई दाना 1/2 कप, और 1 कप मैंने मेथी दाना लिया है। तो ये तीनों मैंने लिए हैं, आपने ये तीनों लेके फ्राई पैन में डाल देने हैं और इनको हल्का सा बस हम भूनेंगे। तो जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको हमने कोई ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। और इसमें हमने अभी कलौंजी नहीं डाली है, तो कलौंजी मैं बाद में डाल के आपको दिखाऊंगी। और ये खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो मैंने चॉपर में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है ताकि थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाए। इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा करना है। और एक बाल्टी ली है, सारे आम मैं उसमें डाल दूंगी और मसाला भी सारा डाल दूंगी उसके अंदर। आपने खुला बर्तन लेना है, खुले बर्तन में अचार बनाना है। और ये मैंने आधी प्याली कलौंजी ली है, तो कलौंजी भी डाल देंगे इसके अंदर। और मिर्च ली हैं 2 टेबलस्पून भर के, ये सुर्ख मिर्च पाउडर हैं। और नमक लिया है 2 प्याली मैंने भर के। नमक आपने इसमें कम नहीं रखना, ज़्यादा डालना है। और ये कुटी मिर्चें हैं आधी प्याली भर के लिए मैंने, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और हल्दी ली है आधी प्याली, ये भी इसमें डाल देंगे। तो इनको मिक्स कर लेते हैं मसालों को। और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और तेल ठंडा डालना है आपने, तेल ठंडा हो गया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। और तेल है ये 1.5 से 2 किलो, तो आपने 1.5 से 2 किलो तेल लेके इसको गर्म करके और ठंडा करके फिर डालना है। तो सारे में मैं डाल दूंगी, इस तरह फैला दूंगी इसको। और अभी ये ख़ास चीज़ में जाने वाली है वो मैं आपको बताऊँगी, और उससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी अचार की आपकी, आप नानी और दादी का अचार भूल जाएंगे। तो ये लहसुन लिया है मैंने 200 ग्राम, और इसको छील लिया है और इसको कूटना है, पीसना नहीं है। तो इसको मैं कूट लेती हूँ, कूंडी डंडे में कूटना है आपने इसको। कूंडी डंडा लिया है, इसमें सारे लहसुन डाल दूंगी मैं और इनको कूट लेंगे। और ये मैंने कूट लिया है, तो इसमें लहसुन डाल दूंगी सारा। और लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप खुद हैरान हो जाएंगे अचार जब आप बनाएंगे और खाएंगे, तो पूरा घर महक जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप बार बार निकाल के खाएंगे, सुबह दोपहर शाम खाएंगे, बल्कि आप
तो ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार हमारा रेडी हुआ है। तो इसको मिक्स करके मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। और ये 15 दिन बाद आप इसको खा सकते हैं। और मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो आपने अचार इसी तरह बनाना है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपका अचार कैसा बना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।